हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सलमान खान के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक और दोस्तों सिकंदर मूवी से अपडेट लेके आया हूं। और मैं आप लोगों को यहां पे ये भी बताने वाला हूं कि बिग बॉस ओटीटी सलमान खान ने क्यों छोड़ा और अनिल कपूर ने क्यों पकड़ा। देखो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से पता ही होगा अगर आप लोगों को सिकंदर मूवी का अपडेट देखने को मिल चुका है पहले से ही। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि सिकंदर मूवी की इसी मंथ में 27 ऑफ जून को शूटिंग स्टार्ट होने का पूरा यहाँ पे प्रोसीजर लग चुका है। एंड यहाँ पे सलमान खान चेन्नई के लिए रवाना भी हो चुके हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एक तरीके से एआर मुरुगदास के जो अपने एक्शन डायरेक्टर हैं, जो उनके चुनिंदा एक्शन डायरेक्टर हैं, जो हर दम उनकी मूवीज़ में काम करते हैं, एआर मुरुगदास उनसे काम करवाते हैं। तो इसी बिहाफ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि वो और सलमान खान यानी कि एआर मुरुगदास उनको एक तरीके से ट्रेंड करने के लिए अपनी सिकंदर मूवी में इसीलिए चेन्नई सलमान खान को यहाँ पे भेजा गया है। और यहाँ पे दोस्तों मूवी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि सलमान खान एक तरीके से बॉडी यानी कि वेट लिफ्टिंग ज़्यादा और बेहतरीन एंड अलग तरीके से कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी पर भी काफ़ी अलग तरीके से अब काम कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ कि अभी तक आपने सलमान खान की जिस तरीके से बॉडी देखी है वो अब इस मूवी में डबल से तिबल होने वाली है। मैं मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कटीले और यहाँ पे कुछ जो कटिंग होती है एंड जो स्मार्टनेस होती है बॉडी का अपना एक लुकअप होता है वो यहाँ पे सलमान खान मेहनत कर रहे हैं, यानी कि और अच्छी से अच्छी बॉडी बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जो अभी फ़िलहाल हमें कितनी सारी मूवीज़ में सलमान खान की बॉडी नहीं देखने को मिली है, तो अब यहाँ पे सलमान खान अपनी बॉडी पे कुछ यहाँ पे दुबला किया है अपने आप को, फिर उसमें कट्स यहाँ पे लगा रहे हैं एंड जिस तरीके से सिकंदर मूवी में दिखाना है उस तरीके से अपनी बॉडी पे भी काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से सलमान खान अभी कहीं पर भी दिख नहीं रहे हैं, ले देके जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन वो दिखे थे। तो अभी चेन्नई रवाना हो चुके हैं सलमान खान एंड यहाँ पे ओटीटी जो यहाँ पे इन्होंने अभी पोस्टपोन किया है यानी कि अनिल कपूर इस वजह से आए हैं क्योंकि सलमान खान अपनी मूवी में ध्यान दे रहे हैं। और ये बात बहुत इन्होंने बढ़िया करी कि एक साल में दो बार दिखना और भी तीन चार महीनों के लिए, तो कहीं ना कहीं जो एक स्टार्डम होता है ना वो एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब पब्लिक आपको बार बार देखती है तो यहाँ पे पब्लिक की नज़रों में आप लोग बस जाते हो, जितना कम दिखोगे उतना ज़्यादा बड़ा स्टार्डम आप लोगों का होगा। एंड आप मूवी में काम करते हो तो जितना आप सिर्फ मूवी में ही दिखो तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे कि ऑल स्टार्स होते हैं। अब जैसे कि अक्षय कुमार है, ज़्यादा दिखोगे तो भाई नहीं चलोगे, कम से कम दिखो तो ज़्यादा चलोगे। अब यहाँ पे दोस्तों बात निकल के आती है कि मूवी की शूटिंग इंडिया में हैदराबाद एंड चेन्नई में तो हो ही रही है, होगी भी, लेकिन बाहर ओवरसीज़ में भी इसकी शूटिंग को दोस्तों रखा गया है। वहाँ के नाम अभी चुनिंदा तरीके से अभी छुपाए गए हैं, गोपनीय अभी सामने नहीं आए हैं। हालांकि एआर मुरुगदास मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जिसमें सलमान खान उनकी हर बात को मान रहे हैं, यानी कि एआर मुरुगदास के कहने पर ही सलमान खान चेन्नई गए हैं। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि सलमान खान ने एआर मुरुगदास को सौंप दिया अपने आप को, भाई तुम ही करो जो करना है, मुझे बस बताओ करना क्या है, मुझे बस ये डिटेल बता दो, एक पर्चा लिख के दे दो, मैं प्रॉपर यहाँ पे कर लूँगा। मूवी में अभी हीरोइन का नाम आया है निकल के, रश्मिका मंदाना, और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वो ऐसे हीरोइन ही होने वाली है या फिर कोई और। हालांकि सलमान खान की इस मूवी के अंदर कटप्पा यानी कि हमारे बाहुबली के कटप्पा उनको विलन के रूप में ले लिया गया है। अब भाई वो किस तरीके से इस मूवी में विलन बने हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई सलमान खान को इस विशेष रूप में देखने के लिए। और मुझसे ज़्यादा तो खैर आप लोग एक्साइटेड होंगे सलमान खान को इतने घातक और इतने ज़बरदस्त अंदाज में पेश किया जा रहा है एआर मुरुगदास द्वारा, जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। मूवी नेक्स्ट ईयर ईद पे रिलीज़ हो रही है यानी कि 2025 में। इसकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर यहाँ पे देता रहूँगा। तो फिलहाल अभी तक यही अपडेट थी, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।